एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है हग डे। हग डे हमने प्रॉमिस डे पे तो ये क्या था, हमें एक दूसरे को ऐसे ही परेशान करेंगे, ऐसे ही हंसाते रहेंगे, ऐसे ही हमेशा साथ में रहेंगे, ये हमारा प्रॉमिस था जो कि मैं व्लॉग में डालना भूल गई हूँ। आज हग डे है, आशीष है नहीं अभी घर पे, तो हम हग करके भी दिखा देते। तो अभी आशीष गए हैं थोड़ा बहुत काम कराने, तो उसके बाद मुझे जाना है। वो फैमिली में ही है एक, उनकी तबीयत ख़राब है तो उनका हालचाल पूछने जाएंगे। हम गए थे लेकिन वो उस टाइम पे घर पे नहीं थे, तो अभी आशीष आके वहीं पे जहाँ पे प्लॉट है वहाँ दिखाया था, वहीं पे उनका घर है, तो वहीं पे जाएंगे। बाकी उनके घर पे व्लॉग बनाएंगे थोड़ा बहुत, ठीक है? बाकी देखते रहिए हमारे साथ। ताऊ वर्ग आए हैं, अरे भाई देखेंगे, भाई बहुत बुढ़ी चोट लग रही है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। भाई बेरा लेना आए हैं, भाई का चोट लग गई। चाहे प्रिंस का टेम पड़ा था 2-3 साल पहला, चाहे अपना भाई पर भी नहीं पड़ा है। आओ जी आओ नीटू, आओ आशीष बैठो जी बैठो। बैठ गए बैठ गए। मैं कंफेक्चरा हूँ, बेरा ना लेना यार, कल नू पता लगे तो कई हो रहे हैं। चार पांच फ्रैक्चर हो रहे हैं। अरे काफी है यार, बोतल से सिखाई कर रहा हूँ, अभी डॉक्टर ने बोला है। अच्छा रहे, 400-500 में थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया। कैसी गिर गई भाई साहब? राहुल फोन कर ला रहा था, एक बार फोन करा राहुल ने, काट दिया प्रवीण ने, फिर दूसरी बार करा, फिर काट दिया, तीसरी बार मैं गड्ढे में गया और स्क्रीनशॉट ले लिया उसका फोन का, अटक के इस टाइम पे फोन आया। 20 फुट वो था डूंगा गड्ढा। हाँ और वो तो नहीं कि 4-5 जने हमारे खड़े थे, इस मारे माँ को पकड़ लिए, फिर वो पूरे चले गए थे। मैंने बिहु के हो गए, खुद जब खुद हैरान रह गए थे। मैं ऐसे खड़ा खड़ा, अरे ये है वो अल्टरनर चल रही है, वो चालू नहीं था, नाले में बैठता था, पानी वाणी कुछ नहीं था, वो तो ही सुबह मारे गला आता ना तो कुछ ना लगती। तू अपना पोज दे लग रहा, पापा के चोट लग रही तेरे। 26 तारीख को लगी थी ना? 26 को लगी थी, अब देख लो कै दिन हो गए। अब दूसरा भी तो प्रोग्राम फिर आ गया हमारे, दूसरा प्रोग्राम आ गया ब्याह का। भाई एक ही बार तो सही थे, 4-5 आदमी छोड़ने पड़ेंगे तेरे ऊपर। दीदी की वाइफ देखो दी, मैं मतलब भाई साहब बीमार, शॉपिंग करा लेके जाए। कितने फ्रैक्चर पाई? दूसरे डॉक्टर दूर गया, दूसरे सेक्टर 11। उन्होंने क्या फ्रैक्चर बताया फिर? उसने भाई न्यू कहा था, ये 8वीं 7वीं 6वीं 5वीं थोड़ा सा सारी है, थोड़ी थोड़ी सारी है। फिर कह देना और कही है बेड रेस्ट। 15 दिन की टेबलेट दी है उसने, 15 दिन बाद। भाई तो तू ब्याह आ गए, नाच भी ना सकता? नाचेंगे वैसे ही आते हैं, ऐसे कर लेंगे। पहली बार मेरे पास आई है, खातिरदारी की पूरी तैयारी हो रही है ना, इसलिए देखो। कड़ा भाई का चोट लग रही है, तू बड़े पकौड़े चल रहे तेरे, चोट लग रही है भाई साहब भी खा ली। और क्या, पेट में दर्द थोड़ी है, भाई साहब नहीं खा ना सकते, खा लेंगे। फिर दोबारा दुख लग जाएगी, 10 दिन में आराम पड़ जाएगा। ना तो मारे गया आराम था, ना कोई दिक्कत ना था, इंगान पिंगान थोड़ा सा मामला सब बेकार हो गया। चेतन ने की वजह थी, पेपर की वजह देख ले, जो कुछ गए भी तक करते थे ना। राहुल ने 3 बार फोन कर दिया, मामला खराब हो गया। राहुल लोग देखते हैं ना, कहते हैं मेरा नाम बदनाम कर रखे हैं ना, वो खुद को बता दबाया था कि भाई मेरी उससे हो गया। अब करे क्यों था, वो के ब्रेक क्यों करे, उसका काम था कोई, मतलब अभी आपका वो ना था, मैं हमारे भाई का कुछ काम, कुछ बात पूछ रही थी। परवीन भाई पूरी सेवा पानी उठा दी है। दीपान जी हटिए, होना चाहिए ना, पहली बार आई है भाई। दोनों बाण मिल गया, अपना कर रही है काम, सारे अपनी क्या मैं दिल की। वो वाली छोटी आराम आराम से, तो नहीं पढ़ना जरूरी था ये क्या करें भाई, तुम सारा ये भी कैमरे में तू नहीं देखियो, रिकॉर्ड मेरी मां भी सुन रही थी, बात कर रहा हूं अपने काम की मैं, करे की दिक्कत है भाई, चोट लग गई रे, टूट गई हड्डी पसली। बैठ जाओ इस वाले पे, बैठ जाओ कमर लग जाएगी, नहीं इधर ही बैठ जाओ। ले भाई रस मलाई खाओगी, देख लो इन्हें पसंद है, जब मैं लेकर आई हूं समोसे, तीखा और मीठे में रस मलाई। तो बोला पापा
चाचे के लिए है ना, मैं चॉकलेट लेके जाऊंगा। मैं ले चल भाई दे ले चाचा तो दी नहीं है, अरे मारता को ना देता गरम कम हुए है ना। हफ्ते में ना, हफ्ते में या 10 दिन में बैठ के अपना बातचीत कर ले। और उस दिन अभी आए थे ना दोनों कम थे, एक किटी पार्टी कर लो सारी जांच पे चले जाओ। दीपांशु चाची को भी ले जाओ, बढ़िया मंदिर बना रखा है। स्कूल में छोड़ गया, स्कूल में आते ना तो चला ले चले इन्हें घर कुछ देख आना था सामान, मगर चाले पहला सामान देगा उल्टे घर आ जाएंगे। चला लगी उड़ा जवा के जाली ना कदी भीड़ होगी गणी है एक पहला तो गड्ढे में पाट दी, गड्ढे में चल कोई ना, रक्षा वाला आया साइकिल वाला आया, साइकिल वाले के डर पर चढ़ा दी मैंने बैग कर उल्टी अपने भाई वो लगा लिया अगर वो पाउच आएगा तो जेंट्स की नहीं है लेडीज के, लेडीज कैसे होता है। और शादी के बाद केराटिन ना करवाऊंगी दोबारा, बाल खराब हो रहे हैं काफी टाइम हो गया करवाए। 1500-2000 का वो भी भाई 1500-2000 का फालतू 2000 का शुरू है ना केराटिन। हाँ 2010 में यार इसका हो गया था काम फ्यूचर में, तो फिर यश के कारण हमने तो फिर मना करनी पड़ी। यश के कारण क्यों, मतलब यस की ना कौन देखता फिर अगर मैं जॉब करती थे ना, तो आज 10-12 साल की सर्विस हो जाती यार। अब जैसी तो पन्ने बिठावांगे, अच्छा सुबह आके अपनी संभाल लिए, खाना वही पहले पूरे परिवार का, शाम का खाना, शाम का खाना है। हाँ, क्योंकि सुबह खाना मैं पहले शाम ने बिठाती, पर मैं आजकल लुकाने लगे खाली पेट बैठा कर। हाँ, खाली पेट का बैठा ईद पे चल गए शाम में बैठा करते, सुबह बिठाओगे पानी फिर शाम तक खाली पेट, 12 बजे से पहले खाली करवा के बड़ा इतना स्पीकर करवा दो, खाली करवाने का तो कितना तुमने बैठने का रहा पाएगा ना जब भी बोलते फिर काकी नाचेंगे की तुम रौनक तन हो बना कर फिर ब्याह बार बार थोड़ी ना हो भाई ये छोड़ा। अरे यहाँ पे ऐसे घूम के आ रहा यशु तो है ना यशु बेचारा ना 15 साल तक परेशान हो गया है चिकू। नहीं पता है इसने, मतलब इतना पता है हम कई बार चले जावे ना, कई बार यो पहचान ले आवे ना, यो पता है इसने कि अब कई बार मिल लिए ना, आज कैच करे हो। सॉरी वो देख चुप हो गया ना आज पूरे दिन, अब शाम तक ऐसे करे जाए क्योंकि हम इसे छोड़कर चले गए थे ना इसलिए। अरे शादी नहीं थी, शादी में जो पुराना जाना हुआ इसने खाना भी छोड़ दिया था और रोए गया मारते रात अकेला, मुझे ना अकेले छोड़ के चले जाए कोई ना दिखता पूरे दिन, यार दिमाग खराब हो जाता है। 15 साल का हो जाता है, शादी में नहीं गई निकली चेहरा में फ्रैक्चर हो रहा है।
क्या कर रही हो? पढ़ाई तेरी मम्मी। ये क्या कर रही है तू? फिर गेम खेल रही है? दिखा कौन सा गेम खेल रही थी, दिखा जल्दी। ये मम्मी किधर गई? क्या करो आशीष? फाइल बनाऊं। किसकी? तेरी। मैंने काम दे रखा है। करना पड़ेगा तेरे असाइनमेंट। असाइनमेंट बनाया मेरा आशीष। कल जमा करानी पड़ेगी। बनाओ बनाओ, सजा तो मिलेगी। बना ले बना ले। किताबे बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, हाँ, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है? पढ़ा होता तो काम आता ना। ठीक है। सो गाइज, ये था मेरा आज का व्लॉग, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अच्छे अच्छे कमेंट दो, सजेशन दो। आ रहे हैं कुछ कुछ सजेशन जो मैं मतलब कंसीडर करूँगी कि हाँ मुझे ये चेंजेस लाने चाहिए। उसी चेंज को ध्यान में रखते हुए आज हमने ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है, तो देखना आप, बताना। और आशीष लगे हुए मेरे काम में, असाइनमेंट बनाने में, और मैं भी बनाऊँगी क्योंकि कल सबमिट करना है। तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।